गाइज, क्या आपको ऐसा फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन चाहिए जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना पड़े, सिर्फ आप अपनी उंगली से एक ही क्लिक करो अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एंड आपका जो फोटो है टोटली प्रोफेशनली एडिट हो जाए? तो बिल्कुल सही वीडियो पर आया हो। इस वीडियो पर मैं आपको ऐसी एक फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसके अंदर आप सिर्फ एक ही क्लिक में अपनी फोटो को नेक्स्ट लेवल का एडिटिंग कर सकते हो। एंड ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली बिल्कुल लाइटरूम के जैसा ही है, लेकिन लाइटरूम के अंदर मैन्युअली फोटो को एडिट करना पड़ता है मैन्युअली। लाइक दोस्तों, उसके अंदर आपको अपनी फोटो को कलर ग्रेडिंग खुद मैन्युअली करना पड़ता है एंड आपको समझना पड़ता है कि किस तरीके से फोटो को एडजस्टमेंट किया जाए, किस तरीके से फोटो को कलर ग्रेडिंग किया जाए। लेकिन आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों के लिए जो एप्लीकेशन लेके आया हूँ, इस एप्लीकेशन के अंदर ऐसा कोई भी मसला नहीं है जिसके अंदर सिर्फ आप अपनी फोटो को इंपोर्ट करो एंड आप अपनी फोटो को एक ही क्लिक में बिल्कुल प्रोफेशनली एडिट कर सको। तो कौन सी वो एप्लीकेशन है दोस्तों? जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो, इस एप्लीकेशन का नाम है बेसिकली कोलोरो। ठीक है, तो बेसिकली कोलोरो एप्लीकेशन के अंदर ही आप सिर्फ एक ही क्लिक में अपनी फोटो को प्रोफेशनली एडिट कर सकते हो। तो चलो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसके अंदर अपनी फोटो को एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोलोरो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर या फिर आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो कोलोरो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इसे ओपन कर लेना है एंड इसे ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का जो प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आपको प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करना है। देन यहाँ से सिंपली आपको अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको ऊपर में कैमरा रोल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली कैमरा रोल के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ से आप अपने फोल्डर से डायरेक्टली कोई भी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से मैं एक नॉर्मल सी पिक्चर को सिलेक्ट कर रही हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सिंपली आपको अपनी पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है, देन आपका जो पिक्चर है कोलोरो एप्लीकेशन के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली अपनी फोटो को एडिट करना है। आप फोटो को एडिट करने के लिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्रीसेट दिखाई दे रहा है जैसे कि देख सकते हो। एंड दोस्तों, आपको यहाँ पर प्रीसेट का काफ़ी सारी कैटेगरी दिखाई दे रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पर आपको दुनिया की सारी कैटेगरी का एंड दुनिया की सारी कलर की जितने भी प्रीसेट है उन सभी प्रीसेट आपको इस एप्लीकेशन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टिल एंड ऑरेंज के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ टिल एंड ऑरेंज कलर का ही प्रीसेट देखने के लिए मिलेगा। एंड आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर एक ही क्लिक में आप अपनी फोटो को किस लेवल का एडिटिंग कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक क्लिक करना है, देन आपका जो फोटो है उसको नेक्स्ट लेवल का एडिटिंग कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों, आप चाहो तो मैन्युअली भी अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो। अगर आपको प्रीसेट अप्लाई करना अच्छा नहीं लगता, यानी दोस्तों अगर आपको मैन्युअली एडिट करना पसंद है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसके अंदर मैन्युअली अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर फोटो एडिट करने से पहले आपको अपने फ़ोन की इंटरनेट कनेक्शन को भी ऑन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फोटो एडिट करने के लिए आपके फ़ोन के अंदर इंटरनेट कनेक्शन ऑन करना ज़रूरी है, बिना इंटरनेट कनेक्शन से आप इसके अंदर फोटो एडिट नहीं कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आपने सीख लिया कि किस तरीके से आप एक क्लिक में अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो प्रोफेशनली। अब दोस्तों यहाँ पर मैन्युअली फोटो एडिट करने के लिए आपको यहाँ पर मैन्युअली के ऑप्शन दिखाई दे रहा है जैसे कि देख सकते हो। जैसे कि आप इसका जो ब्राइटनेस है उसे बढ़ा सकते हो, हाईलाइट्स को बढ़ा सकते हो, इसके अलावा एक्सपोजर को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, वाइब्रेंस, इसके अलावा शार्पन। तो मैन्युअली एडिट करने के लिए आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन है जिनको आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ओवरले दिखाई दे रहा है जिन ओवरले को आप अपनी वीडियो पर अप्लाई कर सकते हो। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी डिफरेंट टाइप के ओवरले आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। चाहो तो इन ओवरले को आप इस्तेमाल कर सकते हो, ओवरले इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आप चाहो तो इन ओवरले का जो ओपासिटी है उसको अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो यहाँ पर आपको ढेर सारे प्रीसेट दिखाई दे रहा है, तो प्रीसेट किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। एंड दोस्तों, वीडियो एडिट करने के बाद अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि इस वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे करें, यानी इसको कैसे हम अपनी गैलरी के अंदर सेव करें। तो डोंट वरी, इसके अंदर फोटो भी सेव करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। इस कॉर्नर का आपको जो टिक मार्क का आइकन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली टिक मार्क के ऊपर क्लिक करना है। देन जैसे कि देख सकते हो सेव सक्सेसफुली, यानी ये जो पिक्चर है ये डायरेक्टली हमारी गैलरी के अंदर सेव हो चुका है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि बेस्ट एंड प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में जिसके अंदर आपको बिना कुछ ना करे सिर्फ एक ही क्लिक में आप अपनी फोटो को प्रोफेशनल एडिट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।